वो 44 साल का एक बिजनेसमैन है, फैक्ट्री चलाता है, लेकिन आईपीएल में धोनी की टीम को जिताता है। वो एमबीए डिग्री धारी है, आईपीएल में धोनी को जिता चुका है खिताब। पैसा नहीं, धोनी को जिताना होता है मकसद। विदेशों तक इसका बिजनेस है, हजारों लोगों को देता है रोजगार। चेन्नई के लिए 12वें खिलाड़ी का निभाता है किरदार। आज के दौर में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, या यूं कहें कि पैसा ही इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गया। लेकिन इस दुनिया में हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है। आज हम आपको उस इंसान की कहानी बताने वाले हैं जो धोनी के लिए फ्री में काम करता है, जो चेन्नई को जिताने में अहम योगदान निभाता है। जब आप इस इंसान की कहानी सुनेंगे तो सलाम करेंगे। आपने एमबीए चाय वाला तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी एमबीए पिच वाला सुना है? नहीं सुना होगा। लेकिन जब हम आपको इस एमबीए पिच वाले की कहानी बताएंगे तो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये वो इंसान है जिसका चेन्नई की कामयाबी में बड़ा योगदान रहता है। ये वो इंसान है जो धोनी को आईपीएल में चैंपियन बना चुका है। ये वो इंसान है जो एक बिजनेसमैन है, विदेशों तक बिजनेस फैला है, लेकिन क्रिकेट का शौक ऐसा है कि ये काम फ्री में करता है। ये वो इंसान है जो बेशक मैदान पर चेन्नई के लिए खेलता नहीं है, लेकिन चेन्नई के लिए 12वें खिलाड़ी की जिम्मेदारी निभाता है। सबसे पहले हम आपको इस खिलाड़ी के कारनामे बताएं, उससे पहले इस इंसान का परिचय आपको दे देते हैं। इस इंसान का नाम है वी रमेश कुमार। रमेश 44 साल के हैं और एक बिजनेसमैन है। रमेश जी का बिजनेस विदेशों तक फैला है। करीब 1000 लोगों को रमेश जी रोजगार देते हैं। तमिलनाडु के छोटे से शहर तिरुपुर में 2-2 कंपनियों के मालिक हैं रमेश जी। उनका माल यूरोप और नॉर्थ अमेरिका तक जाता है। रमेश जी एमबीए डिग्री धारी हैं और तमिलनाडु के पूर्व नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। ये तो रमेश जी का परिचय था। अब हम आपको रमेश जी के कारनामे बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि इस काम की शुरुआत रमेश जी ने कैसे की थी। वी रमेश वो इंसान है जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि TNCA की पिच बनाते हैं। इस वक्त वी रमेश चेन्नई के ऐतिहासिक मैदान चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल की पिच तैयार करने में जुटे हुए हैं। वी रमेश बहुमुखी प्रतिभा के बहुत धनी हैं। दरअसल कॉलेज के दिनों में एथलेटिक्स में नेशनल मेडल जीत चुके रमेश ने लगभग 12 साल पहले तिरुपुर में जमीन खरीदी और अपना क्रिकेट स्कूल खोला। इस दौरान उन्होंने खुद एक टर्फ पिच और 12 प्रैक्टिस पिच तैयार की। बाद में रमेश जी ने क्रिकेट की बेहतरी के लिए BCCI के खास प्रोग्राम में पिच बनाना सीखा। 2016 में वो मान्यता प्राप्त पिच क्यूरेटर बन गए और अब आईपीएल में चेन्नई में होम ग्राउंड चेपॉक स्टेडियम की पिच बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रमेश इस काम का कोई पैसा नहीं लेते। दरअसल 2018 में जब तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने उनसे पहली बार संपर्क किया था, तब रमेश कुमार ने एक शर्त रखी थी कि इस काम के लिए वो कोई पैसा नहीं लेंगे। TNCA के लोगों का कहना है कि हमने उन्हें पैसा देने के लिए खूब फोर्स किया, लेकिन रमेश कहते हैं कि वो पैसे कमाने नहीं आए हैं, बल्कि अपना जुनून पूरा करने के लिए भला कौन पैसे लेता है। बस रमेश की यही बात दिल को छू जाती है। बड़ी बात यह है कि इस काम में रमेश की पत्नी भी उनका हाथ बटाती है। वास्तव में क्रिकेट के खेल में पिच पर खेलने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ उस पिच को बनाने वाले का बड़ा योगदान होता है। और ये भी बात साफ है कि चेन्नई का अपना होम ग्राउंड पर रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में धोनी की टीम को हराना बड़ा मुश्किल होता है, और धोनी की टीम के लिए काम आसान करते हैं वी रमेश, जो बेशक मैदान पर ना उतरे लेकिन उनका किरदार किसी से कम नहीं है। तो आपका इस इंसान को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।